महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाले एक युवक के कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद उसका शरीर चुंबक जैसा बन गया है, यानी लोहे और स्टील से बनी वस्तुओं को उसका शरीर आकर्षित कर रहा है, यानी ये वस्तुएं युवक के शरीर में चिपक जाती है। उस युवक का नाम है अरविंद सोनार। इस युवक ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र कुलकर्णी आईएमए का कहना है कि वैक्सीन का इस तरह का कोई असर नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह से कोरोना को हराने के लिए हर व्यक्ति को लेना चाहिए। नासिक के एक मिस्टर सोनार नाम के ज्येष्ठ नागरिक ने कुछ दिन पहले कोविड के वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था और आज उनका शरीर कुछ चुंबक जैसे बना हुआ है और उसका एक वीडियो आज पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस से कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ चीज़ हो रही है इसका उनका वैक्सीन लेने से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं सबको ये आह्वान करता हूँ कि आप जब भी मौका मिलता है तब कोविड की वैक्सीन लगवा लें और पूरी गलतफहमियाँ अपने दिल से निकाल लें, क्योंकि कोविड का वैक्सीन ही कोविड के इस जंग में हमें जीत दिला सकती है और कोविड को हमारे देश से निकाल दे सकती है। इसलिए मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ डर या गलतफहमियाँ अपने मन में मत रखिएगा और कोविड का वैक्सीन लगवा लीजिएगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुलकर्णी फ्रॉम नासिक, धन्यवाद। CEN न्यूज़ के लिए नासिक से संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट।